श्री विश्वकर्मा मंदिर पिंजौर में वार्षिक मूर्ति स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। श्री विश्वकर्मा मंदिर पिंजौर में श्री विश्वकर्मा जी का वार्षिक मूर्ति स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री विश्वकर्मा सभा पिंजौर के पदाधिकारियों ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। कोविड-19 की सारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मूर्ति स्थापना दिवस समारोह मनाया गया था। ब्रिजलाल धीमान हवन यज्ञ में मुख्य यजमान के तौर पर पहुंचे हुए थे। वहीं भगतराम धीमान ने ध्वजारोहण की रस्म अदा की। इसके अलावा सतबीर जांगड़ा ने भगवान श्री विश्वकर्मा जी को माल्यार्पण किया। इस अवसर पर समाज के भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सभा के प्रधान प्रेमचंद धीमान ने आए हुए मेहमानों का स्वागत फूलमाला पहनाकर किया। इसके अलावा सतबीर जांगड़ा, भगतराम धीमान, पूर्व सरपंच बलबीर सिंह, तिलकराम धीमान, रतन सिंह जांगड़ा, ब्रिजलाल धीमान को श्री विश्वकर्मा सभा पिंजौर के पदाधिकारियों ने मुख्य मेहमानों को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। महासचिव सतीश कुमार जांगड़ा सहित अन्य पदाधिकारीगण यहां मौके पर मौजूद रहे। वहीं महिला संकीर्तन मंडली की ओर से भगवान श्री विश्वकर्मा जी का गुणगान किया गया था। बाद में यहाँ आए हुए मेहमानों को सभा के सदस्यों ने धन्यवाद किया। बाद में प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें सभी को प्रसाद बांटा गया था। कोविड-19 महामारी और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रोग्राम को बहुत ही शॉर्ट समय के लिए और बहुत कम गैदरिंग को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम को हमें आज मनाया। इस समारोह के हवन यजमान श्री ब्रिजलाल धीमान विश्वकर्मा कॉलोनी पिंजौर से थे और ध्वजारोहण हमारे समाज के पूर्व चेयरमैन श्री भगतराम धीमान जी ने ध्वजारोहण किया और श्री सतवीर जांगड़ा जी जो चंडीगढ़ से थे उन्होंने भगवान विश्वकर्मा जी को माल्यार्पण किया। इसके साथ ही समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने इस समारोह में भाग लिया। बलवीर धीमान जी, रतन जांगड़ा जी, सुरेंद्र जांगड़ा जी, अचुरराम धीमान जी, रामनिवास जांगड़ा जी और समाज की महिला संकीर्तन मंडली ने भगवान विश्वकर्मा जी का गुणगान किया। इस समारोह में समाज के गणमान्य व्यक्तियों का संस्था द्वारा मान सम्मान किया गया पटका दे के, जिसमें श्री सतवीर जांगड़ा जी, भगतराम धीमान जी, रतन सिंह जांगड़ा जी, बलवीर सरपंच माणकपुर से और तिलकराम धीमान जी, इनको संस्था द्वारा सोफा भेंट करके सम्मानित किया गया। और इसके बाद संस्था द्वारा चाय पानी और हलवे का प्रसाद वितरण किया गया और महिला संकीर्तन मंडल द्वारा भगवान विश्वकर्मा जी का गुणगान किया गया।